मधुमक्खी पालन में कितना निवेश होता है, उसे कैसे शुरू किया जाए, कौन सी जगह पर शुरू किया जाए, हम ये सब जानेंगे आज के अतिथि से। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। आपका नाम? सौरभ कुमार जी। और जो अपना फार्म आर्यवर्त जी फार्म जी। जी अगर जो आपने मधुमक्खी पालन करना है तो शहर से दूर करिए, क्योंकि मधुमक्खी ऐसा जीव होता है, क्योंकि देखो प्रदूषण शहर में होता है। ऐसे तो नहीं भाई मधुमक्खी है भाई, बहुत छोटा सा जीव होता है, बहुत छोटा सा। उसको हमने देख के अच्छी जगह भाई, कहाँ पे अच्छी जगह है जहाँ फूल अच्छे हों, जंगल अच्छा हो और शहद भी अच्छा निकले। हमारे पास है अपना ये जो भोपाल पानी का जंगल है, देहरादून से लगभग 15 से 20 किलोमीटर ऊपर है आके, और इधर जौलीग्रांट से भी ऊपर है, एयरपोर्ट से भी 15 किलोमीटर ऊपर है। आपके पास तकरीबन कितने बॉक्स हैं? 300 बॉक्स हैं। 300 बॉक्स हैं। अभी आधे बॉक्स कहाँ पे रखे हैं आपने? ये अपने बॉक्स अलीगढ़ में है अभी, और कुछ बॉक्स अपने यहाँ पे रखे हैं 1600 रुपये। आप अभी बता रहे थे कि मतलब किस एरिया में नहीं करना चाहिए, कैसी? हाँ, जैसे आप मेरे को सर्वे करना होता है एक भाई, जैसे कि आप ज़्यादातर तो जंगल में कीजिए, क्योंकि मधुमक्खी को जंगल का क्षेत्र में प्रदूषण से कोई दिक्कत नहीं आती है भाई, शोर शराबा नहीं रहता है, ये कोई मधुमक्खी दिक्कत नहीं होती है। और जंगल से जो शहद होता है वो अपना ऑर्गेनिक ही निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एक देखो पेस्टिसाइड का सिस्टम नहीं होता है कि पेस्टिसाइड छिड़का जाए, कोई खाद डलता है कुछ नहीं है, क्योंकि जंगल है। अच्छा, और कहीं सामने आसपास कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब भी देखना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल देखना पड़ता है, इसलिए जंगल ज़्यादा बेस्ट है, जगह देखनी होती है, गाँव कोई आसपास गाँव हो, क्योंकि उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं, फैक्ट्री ईंट के भट्टे। हाँ, ये सब क्योंकि ऑर्गेनिक शहद में सबसे मुख्य कारण है, इन सबसे दूर खोलना चाहिए। जी जी, अगर जो आपके पास में ऑर्गेनिक शहद आपको निकालना है, अपनी अपनी फार्म से तैयार करना है, जिससे कि आप अच्छा रेट ले सकें। और जी इसमें आपको करना है कि भाई जहाँ पे ईंट भट्टे ना हो, क्योंकि उनका जो धूल मिट्टी जाती है, जो उनका धुआं होता है, वो फूल पे ज़रूर जाता है, जो 4-5 किलोमीटर का एरिया वो कवर करता है एक भट्टा। अच्छा ये बताइए, अब जैसे किसी को शुरू करना हो तो ये एक बॉक्स कितने का आ जाता है, और फिर कितने बॉक्स से शुरू करना चाहिए? लगभग अगर जो आपने ये स्टार्ट करना है, ये नया बॉक्स तो लगभग 900 से 1000 रुपये का करीब का आता है ये एक बॉक्स। अच्छा, मेलीफेरा का एक बॉक्स है। मेलीफेरा मधुमक्खी की प्रजाति है? हाँ जी जी, मधुमक्खी की प्रजाति है ये मेलीफेरा, इटालियन मधुमक्खी है। अच्छा, इटली जो ब्रीड है, तो इसका शहद भी ज़्यादा निकलता है, 30 से 40 किलो एक डब्बे शहद निकल जाता है। अच्छा, इस एक डब्बे से 30 से 40 केजी शहद निकल जाता है? जी, 30 से 40 केजी साल का। साल भर का? जी, साल। और एक साल में कितनी बार निकालते हैं? 6 से 7 बार। मेलीफेरा की बात कर रहे हैं? मेलीफेरा इटालियन प्रजाति की। 6 से 7 बार निकालते हैं, और कोई सीज़न भी होता है? हाँ, सीज़न होता है इसका, ये सीज़न अपना होता है नवंबर से और मार्च से। नवंबर से मार्च के बीच में शहद निकलता है। और आपने स्टार्ट करना है किसी भी फार्म से, आप मधुमक्खी खरीद सकते हैं, आपको बरसात में सीजन में, आपको सीजन में शायद मधुमक्खी खरीदनी है उसका अपना अलग रेट रखता है, बरसात में बरसात के टाइम में खरीदनी होती है, क्योंकि उसमें बरसात में इनको खाने को देना होता है, क्योंकि शहद तो हम निकाल चुके हैं, ये हमने अपने मधुमक्खी के डब्बे से शहद निकाल लिया, निकाल चुके हैं खाने के लिए भी चाहिएगा उनको बरसात में, क्योंकि जो उन्होंने अपने लिए इकट्ठा करके रखा था उसको तो हमने निकाल दिया, तो उनको खाने के लिए भी देना होता है। इसके लिए बेसिक एक ट्रेनिंग होती है, सिखाते भी हैं कि भाई कैसे कैसे इनको किस किस टाइम पे क्या क्या खाने को देना होता है। अच्छा, आप यहाँ से डब्बे और मधुमक्खी बेचते हैं? हाँ जी बिल्कुल बेचते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रैक्टिकल? हाँ, प्रैक्टिकल भी कराते हैं यहाँ पर ऑन ग्राउंड, जिसकी किसी स्टूडेंट को अगर सीखना हो या किसी को अपना व्यवसाय करना हो तो आप उनसे ट्रेनिंग उनको देते हैं, उसका कोई फीस रहती है? नहीं नहीं, अपनी कोई फीस नहीं रहती, प्रैक्टिकल कराते हैं। अगर जो सर्टिफिकेट चाहिएगा उसकी अपनी फीस रहती है, सर्टिफिकेट अलग रहता है। अगर भाई जिसकी संस्था रजिस्टर्ड है ये ट्रेनिंग कराते हैं, प्रैक्टिकल हम कराते हैं। प्रैक्टिकल आप कराते हो जी। अच्छा ये बताइए, जैसे किसी को शुरू करना है तो मिनिमम क्या लागत आएगी शुरुआत, और कितने डब्बे से करना चाहिए? अगर जो आदमी 50,000 से स्टार्ट कर लो बहुत अच्छा बिजनेस है, कम पैसे से स्टार्ट होगा, 20,000 से भी स्टार्ट हो जाता है। 20,000 में कितने बॉक्स आ जाएंगे? 20,000 में आपके लगभग ये मान के चलो आप 7-8 बॉक्स आ जाएंगे। 7-8 बॉक्स आ जाएंगे, और उसमें मक्खियाँ कौन सी लेनी चाहिए? मेलीफेरा। और मेलीफेरा शहद ज़्यादा देती है ना, शहद ज़्यादा देती और है, इनका भागने का खतरा भी कम रहता है। इंडिका होती है वो अपनी शहद निकालते ना, तो घर छोड़ के भागने की तैयारी में लग जाती है। अच्छा, इंडिका आप बता रहे थे इंडियन प्रजाति है? हाँ, इंडियन। तो अभी दो प्रजाति आपने बताई, मेलीफेरा और इंडिका, जिसमें से आपने मेलीफेरा जो इटालियन प्रजाति है उसको बेस्ट बताया है। जी, अगर ज़्यादा माल दे, क्योंकि हमने तो बिजनेस करना है, और जो शहद अच्छा निकालना है तो इंडिका का निकालिए। और जी अगर शहद ज़्यादा निकालना है, शहद ये भी अच्छा होता है, ये भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी मधुमक्खी छोटी रहती है, जो ये इटालियन मधुमक्खी है मेलीफेरा, ये भी कोई वो नहीं है कि
तो अच्छा ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो किसी को व्यवसाय के लिए माली फेरा से करना चाहिए, मात्र 20,000 रुपये में ये काम शुरू हो सकता है। और सरकार भी सहायता करती है, सरकार भी सहायता करती है। किसी प्रकार का काम शुरू करने के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, परमिशन नहीं, आप ट्रेनिंग कर सकते हो, सरकार की तरफ से भी कराते हैं ट्रेनिंग, खादी ग्राम उद्योग से, खादी ग्राम उद्योग से इसका ट्रेनिंग, और आप प्राइवेट भी कर सकते हो, प्राइवेट संस्था है। ट्रेनिंग जो सरकार करवाती है क्या फीस लग जाती है तकरीबन? उसमें 500 रुपये लगती है मंथली। नहीं, एक 7 दिन की ट्रेनिंग होगी आपकी, 7 से 15 दिन की, 7 से 15 दिन की ट्रेनिंग। सर्टिफिकेट भी देगी सरकार, और कोशिश रहेगी कि आपको 5 से 10 डब्बे सरकार की तरफ से अनुदान में मिल जाए। अनुदान मतलब जो कि एक प्रकार से मुफ्त मिल जाते हैं, जिसमें 100% सब्सिडी रहती है, ये खादी ग्राम उद्योग से मिलती है। तो ये थे हमारे साथ फार्मर नाम का था सौरभ, जिन्होंने मधुमक्खी पालन में काफ़ी अच्छा अपना अनुभव शेयर किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया।